एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 6। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, टुडे इन क्लास टीचर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आज टीचर ने क्लास में लेंथ के मेजरमेंट का कंसेप्ट क्लियर किया। नाउ अमन इज क्यूरियस टू नो दैट विच यूनिट अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर लेंथ। अब अमन जो है वो ये जानने का इच्छुक है कि इनमें से कौन सा जो है मेजरमेंट जो है वो लेंथ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो आंसर है लीटर। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन है लीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, है ना। तो 20 सेकेंड को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1 मिनट भी जो है 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 2 वन जो 2 और 2 3 जो 6, यानी कि 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, सचिन वॉज मूविंग टू अबोहर विद हिज फादर। तो सचिन अपने पिताजी के साथ अबोहर जा रहा था। देयर कार कवर्ड 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। तो फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर जो है वो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगले आवर में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, देयर कार अंडरगोज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन। तो उनकी कार जो है वो किस तरीके के मोशन के थ्रू जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि असमान गति। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। लेंथ को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, तो किलोग्राम जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टीचर आस्क्ड अबाउट अ रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल जो है वो पूछ रही है टीचर, तो इसमें से कौन सा जो है वो सुटेबल उसका एग्जांपल है। तो क्लॉक्स की जो हैंड होता है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ठीक है, इसके अलावा जो फैन है, सीलिंग फैन है, वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, यानी कि 1 और 2 में। क्वेश्चन है, इफ स्पीड इज डिनोटेड बाय एस, अगर स्पीड को एस से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को डी से डिनोट किया जाता है, और टाइम को टी से डिनोट करते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। तो कौन सा जो है वो करेक्ट रिलेशन शो करता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, रीमा प्लॉटेड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। तो एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके थ्रू जो है वो ट्रेवल कर रहा है, तो रीमा ने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स इट्स मोशन। तो कौन सा ग्राफ जो है इस मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो आंसर है लीनियर ग्राफ। ठीक है, यानी कि एक सीधी रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ऑब्जर्व द फिलामेंट ऑफ अ फ्यूज्ड बल्ब। तो वो फिलामेंट जो फ्यूज्ड बल्ब है उसका फिलामेंट देखता है। ठीक है, फिलामेंट जो है वो कौन से मेटल से बना है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इंस्ट्रूमेंट डजंट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के थ्रू जो है वो जो अप्लायंसेस है वो गर्म हो रहा है, तो कौन सा जो है उसका एग्जाम्पल नहीं है, आंसर है इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच गिवन इन द सर्किट गिवन बिलो व्हेन नरेंद्र स्विच्ड द सर्किट ऑन। तो जब नरेंद्र जो है वो सर्किट को ऑन कर देता है, द मैग्नेटिक नीडल डेविएटेड। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा इफेक्ट जो है वो शो करता है, तो ये जो शो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक जो नीडल है वो डेविएट हो गई है, तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ, बैटरी जो है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स का। ठीक है, बिजली के सेलों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, रिपेयर वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज बीइंग डन इन निर्मल्स हाउस। निर्मल के घर में रिपेयरिंग का काम जो है वो चल रहा है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तो निर्मल के हाउस में जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का जो है वो काम चल रहा है, रिपेयरिंग वर्क चल रहा है। ठीक है, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी टूल्स है सब पे प्लास्टिक हैंडल लगा हुआ है, तो किस वजह से लगाया गया होगा, क्यों लगाया, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है बिजली का कुचालक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पूनम सुमदर ब्रॉट गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी। तो पूनम की मदर जो है वो गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी खरीदती हैं, तो इसमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो अपनाया जाएगा कि एक मेटल पे दूसरे मेटल का जो है वो डिपॉजिट, एक लेयर की डिपॉजिट करी जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग।
ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमनप्रीत वो सरप्राइज टू फाइंड दैट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अमन जब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की जाती है पानी से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिस अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो शो करता है, तो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, बिजली तापदा रासायनिक प्रभाव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीरा सिंह ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द आयरन आर्टिकल्स आर कोटेड विद सम अदर मेटल। तो लोहे का आर्टिकल जो है उसको किसी और मेटल से जो है वो कवर किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द करेक्ट रीजन। तो इसके लिए रीजन जो है वो क्या हो सकता है, तो इसका रीजन हो सकता है टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, जंग से लोहे को बचाने के लिए, है ना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सरफेस को शाइनिंग बनाने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त तो सारे जो है उस पर टिक कर देंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनके साथ आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।